A11 भी बहुत काम होता है, थार इंची हो रहा है, थार वाली अलॉय डालना उसके अंदर, तो पूरी गाड़ी डैम्पिंग हो रहा है, ये हो गया सोने की महल, गोल्डन रूम बना दिए रूम में हमने पूरा, इसके ऊपर ब्लैक कर दिया। तो ये है इंटीरियर लग रही है, फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो ये लुक है, तो एक बार फ्रंट का लुक दिखाते हैं कैसा लुक आ रहा है पीछे बैठ के। लगा सीट कवर की क्वालिटी आपको सीट ये देख सकते हो, बिल्कुल फिनिशिंग देख लो, और फ्रंट कैमरा ये अपना फ्रंट कैमरा है, देख सकते हो ये रिवर्स कैमरा है, रिवर्स कैमरा काफी क्लीन दिख, क्योंकि नीचे जितने भी हमने इसमें किया ज्यादा ब्लैक पे ध्यान दिया गया। तो चामुंडा भैया अभी ऐप से कंट्रोल करके दिखाएंगे ये लाइट्स, हो रहा कुछ हो रहा है जादू, कुछ जादू हो रहा है इसमें, ये लाइट्स चेंज हो रही है इसकी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड। कैसे हो गया? बढ़िया। आज क्या दिखा रहे हो? स्कॉर्पियो। आज स्कॉर्पियो दिखा रहे हैं। तो आज कितना है अपने पास, कितनी स्कॉर्पियो आई है आज? स्कॉर्पियो देखिए पहले का तैयार हो रहा है। ओके, एक ये स्कॉर्पियो है, दो स्कॉर्पियो यहाँ खड़ी हुई है, वो दो ब्लैक स्कॉर्पियो भी आ जाएगा, मेन स्कॉर्पियो तो हमारा ये है, वो अंदर छुपा के रखी है आज। तो इसका इसके अंदर जो भी हो रहा है मैं एक डिटेल में बताऊंगा आपको। ये गाड़ी जो रहने वाला है S11 है, S नहीं है, S11। आज आप बोलोगे S11 वो क्या कर रहा हूँ मैं, S11 में तो मोस्टली सब होके आता ही है। नहीं नहीं, S11 में भी बहुत काम होता है, ये गाड़ी जो तैयार हो रहा है अलग लेवल की गाड़ी तैयार हो रहा है। एक तो बाहर की नॉइज नहीं आएगा इसके अंदर, नॉइज प्रूफ बन रहा है, इंटीरियर भी पूरी की पूरी इस पर ध्यान दिया गया, लाइटिंग से लेकर के कलर कोडिंग पे, अलॉय इसका 18 इंची हो रहा है, थार वाली अलॉय डालना इसके अंदर, लाइटिंग फ्रंट लाइटिंग में काफ़ी डिफरेंट काम हो रहा है इसके अंदर। तो जब ये गाड़ी बन के निकलेगा ना तो पता चलेगा कि हाँ भैया S11 में भी काम होता है, ये नहीं है कि S11 जैसा निकल गया स्टॉक से बस वही साउंड सिस्टम पे भी काफी इस पे ध्यान दिया गया है, इस पे डबल एम्पलीफायर के साथ स्पीकर की सेटअप करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद एम्पलीफायर डलेगा इसके अंदर। इधर देखो छत डैम्पिंग डैम कर दी है, अब इसकी जमीन भी होगा पूरा, अभी देख रहा हूँ इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, पूरी अंदर डैम्पिंग होगा। जो गाड़ी अगर रोड पे चले तो नॉइज बिल्कुल ना आए, बिल्कुल नॉइज प्रूफ रहे, बिल्कुल साउंड से इरिटेट होता है ना जैसे रोड पे चलाते हो, तो वो इरिटेट खत्म हो जाएगा, तो एकदम साउंड प्रूफ केबिन कर रहे हैं इसका। जैसे तो पूरी डैशबोर्ड खुल गया, बोलोगे डैशबोर्ड इसमें खोलने का क्या मतलब है, तो यही इंटीरियर के लिए खुला है इंटीरियर। हाँ, बाकी इसके अंदर एक कैमरा नहीं देता था S11 तो, बट इसके अंदर कैमरा नहीं, कैमरा भी लगेगा हमारा इसके अंदर, सिर्फ रियर में नहीं लगेगा, फ्रंट कैमरा भी लगेगा, और स्क्रीन इसके अंदर जो देता था वो थोड़ी सी लो क्वालिटी का देता था, स्क्रीन भी हम डालेंगे इसके अंदर एप्पल कार प्ले वाले। S11 की जो स्क्रीन आती थी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। हाँ, S11 में बहुत ही हल्की क्वालिटी की स्क्रीन देता है, अपना ब्रांड के नाम पर उसे प्रमोट नहीं करना चाहिए कि भाई जो इसमें लगा के देता आप समझ जाना कौन सी कंपनी का। तो हम दिखाएंगे कौन सा हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं इसके अंदर जो करने जा रहे हैं 2GB RAM 32GB इंटरनल गोल्ड सीरीज का एंड्रॉइड डाल रहा हूँ। गोल्ड सीरीज जो होता है वो एक बिल्कुल सुपर क्वालिटी का एंड्रॉइड आता है, बहुत ही प्यारा एंड्रॉइड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी काम होते हुए मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या होने वाला है इसके अंदर, तो एक डिटेल में पूरी एक बार दिखा दूँ इनको अंदर। तो ये रहा डोर्स, अपना डैम्प हो चुका है, स्पीकर ये है अभी लगा हुआ पर इसे रिमूव कर देंगे, तो इसमें कॉम्पोनेंट का सेटअप, इसमें कॉम्पोनेंट का सेटअप मिलेगा, इधर हमारा टूटर सेस बनेगा, ठीक है, यहाँ सैश रहेगा S11 में, S में तो हम जिस पोर्ट ही बना लेते थे, तो ये सेस हट के पोर्ट बन जाएगा ना, ठीक है पोर्ट बन जाएगा। बाकी लुक देख सकते हैं एक बार अंदर की, तो बिफोर देख सकते हो क्या है, बिफोर तो अभी हम नहीं बोलेंगे, इसमें कुछ काम हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो अपना जो बूट है उसमें भी हमने डैम कर दिया है। हाँ, और उसके अंदर अभी ओवल लगेंगे, ओवल लगेंगे इसमें, ठीक है। एक बार पूरी डैम्पिंग होने के बाद गाड़ी एक बार मैं 360 में इसका मूवी दिखा देना कैसे हो रहा है, ठीक है, पूरा डैम्प होने देते हैं एक बार। सो अभी हम आपको रूफ दिखाने वाले हैं, ये रूफ पे काम हो रहा है अभी, रूफ में हमने पूरा इसके ऊपर ब्लैक कर दिया, अब इसके अंदर बिल्कुल बारीकी से अब इसके अंदर चाहिए रूफ होने के बाद भी कम से कम 4 घंटे, ठीक है। इसमें स्टार लाइट फिटिंग होना है, स्टार लाइट इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, स्टार लाइट इसके अंदर लगना है, तो स्टार लाइट में 3 से 4 घंटे भी और मेरे को इसके ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये गाड़ी 2 दिन के लिए आया है, 1 दिन में काम नहीं हो पाता, 2 दिन का टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो ये अपनी आती है, ये बेज में ही आता है, बेज में आता है, इसमें भी ब्लैक कोडिंग का भी देख सकते हो, बर्फी वाली देखो, बर्फी डिजाइन, छोटी छोटी बर्फी वाली डिजाइन है, और ये डबल शेड वाले हैं, ठीक है।
बाकी जो इंटीरियर का काम हमारा इधर हो रहा है देख सकते हो, तो अपनी वर्कशॉप में ही हो रहा है सारा काम। हाँ अपनी वर्कशॉप में हो रहा है, अभी देख सकते हो पूरी काम वाम चल रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी अब कैसा दिखेगा। ये पंजाब वाली गाड़ी का है, इस गाड़ी में जो होने वाला है वाइन कलर का इंटीरियर है, वाइन कलर है। हाँ इसमें वाइन कलर है। तो अपना डैशबोर्ड जो उतरा था वो ये रहा? नहीं ये पंजाब वाले। अच्छा पंजाब वाले का ही हो रहा है, ठीक है इनका ये रहा, ठीक है इनका ये वाला है, इनका ये वाला। ठीक तो अभी उसकी पैकिंग चल रही है। हाँ ठीक है, तो उसमें अभी लग गया तो एक बार ऐसे दिखा दो, एक बार घुमाना जरा इसको, लगने के बाद कैसा लगता है इंटीरियर। ये रहा अपना फ्रंट का डैशबोर्ड, ऊपर लेदराइट होगा, इसमें भी वाइन कलर में होगा इसमें। हाँ इसके नहीं वाइन पूरा ही पेंट होगा। अच्छा इसका पूरा ये पैनल भी पेंट होगा? हाँ इस गाड़ी का पूरा पैनल ही पेंट होगा, इधर ब्लैक हम दो ऑप्शन दिखा देते हैं ना, एक ही ये वाला होता है लेदर राइट, लेदर राइट होता है टॉप पे लग जाता है जो सीट कवर की कलर। अभी मैं सीट कवर वाली कलर इस पे नहीं करूंगा, इसमें करूंगा मैं जो गाड़ी में आया इंटीरियर वाली ब्लैक कलर की करूंगा, क्योंकि जो सीट कवर वाली कलर आएगा इधर आएगा। ठीक है तो आपको दिखाएंगे वो भी होते हुए, होते हुए मैं दिखाता हूँ। ठीक है सो फाइनली आज है डे टू, डे टू में कितना काम हो गया? डे टू में कोशिश कर रहा हूँ फाइनल करने का, डे टू में फाइनल हो गया तो ठीक है। अब खोल के दिखाते हैं क्या अंदर। ये हो गया सोने की महल, गोल्डन रूम बना दिया है तो। हाँ ये देख सकते हैं पूरी डैम कर दी, कैसा लग रहा? फ्लोरिंग भी डैम कर दिया। हाँ इससे बिल्कुल नॉइजलेशन खत्म हो जाता है गाड़ी के अंदर, जितना मर्जी स्पीड चलाओ बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आएगा, और गाड़ी की जो वाइब्रेशन होता है बबलिंग होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है बहुत फायदे की चीज होता है डैम्पिंग, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले गाड़ी लेते डैम्पिंग करना चाहिए पूरी गाड़ी में। ठीक है तो पूरी नॉइस प्रूफ कर दी है अब गाड़ी। हाँ तो अब इसके बाद जो कारपेट है वो चढ़ेगा, अब कारपेट इसके ऊपर लगेगा, फिर सीटें टाइट होगा, फिर इंटीरियर पूरी पैक होना चाहिए। ठीक है अब लाइटिंग का काम होना सारा। ओके स्टार लाइट भी लगेगी अब ऊपर। तो ये कंडीशन है डे टू में, तो अभी पैकिंग का प्रोसेस चलेगा। हाँ ठीक है, बाकी ये वाला यहाँ कपड़ा लगा दिया। ठीक है अभी स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें लगनी है, स्पीकर वगैरह की फिटिंग होना है ना इसमें। ठीक है सो अभी पैकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हाँ तो पैकिंग में हमारे फ्लोरिंग ऊपर से हो चुका है अभी, और एम्पलीफायर के लिए वायरिंग देख सकते हो कितनी सफाई से वायरिंग हो रहा है, वायरिंग का काम देख सकते हो बिल्कुल सफाई से हो रहा है, और जब पूरी फिटिंग हो जाएगा तो आपको एम्पलीफायर दिखेगा नहीं, ना भी वायरिंग दिखेगा, थोड़ी सी ढूंढ लेंगे सर, एक वायरिंग नहीं दिखेगा और ना एम्पलीफायर मिलेगा कहाँ पे लगा हुआ। ठीक है देख सकते हैं स्टार मार्क आ रही है वायरिंग अंडरग्राउंड लेके आए हैं पूरी, दो वायरिंग आया है और पुलिस सायरन के लिए यहाँ पे आएगा। ठीक है पुलिस सायरन। हाँ ठीक है और बाकी आगे कोई काम, एलईडी डल गया इधर देखते तो कॉर्नर लाइट भी डल गया। ठीक है यहाँ भी हॉर्न के लिए वायर आया है, तो काम किस तरीके से हो रहा है देख लो, हमारे अभी तैयार है दीवार की फिटिंग कर रहा है, फ्यूज लग रहा है, फ्यूज ठीक है प्रॉपर फ्यूज लगेगा। हाँ एम्पलीफायर का। हाँ ये 4 चैनल के लिए हो गया, 2 चैनल के लिए हो गया। ठीक है बाय चांस शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ से फ्यूज हो जाएगा। ठीक है तो ये दोनों फ्यूज लगेगा अभी इसके अंदर, मैं लगने के बाद ही दिखा दूंगा। ठीक है तो अभी कुछ इस टाइप की कंडीशन है, अलॉयज लग चुके हैं अपने, अपनी S11 का काम कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हो चुका है। हो गया टाइम काफी हो चुका है। ठीक लेट हो गए काफी आज हम तो इसके अंदर बस ABS गार्ड है। ABS गार्ड हाँ अंदर हॉर्न लगा है रूट्स के, और इसके अंदर चाइडी एलईडी के सेटअप जो भी लगा मैं आपको जला कर दिखाता हूं। S11 में भी हैलोजन ही आता है। हां हैलोजन आता है तो पूरी चाइडी एलईडी की जो भी सेटअप लगा मैं आपको जला कर दिखाता हूं। अभी हम आ चुके हैं बाहर डार्क प्लेस में, डार्क प्लेस का यहां पे इतनी लाइट है उसके बाद भी मैं लाइट का सेटअप दिखा रहा हूं। ठीक है काफी लाइट है, मेन रोड में आ चुके हैं, मेन रोड पे इसके बाद मैं लाइट का सेटअप दिखा रहा हूं। ठीक है ये फॉग लाइट जल रही है अभी, ये लो बीम है ये हाई बीम, ये देख सकते हैं कहां तक जा रही है, क्योंकि स्टॉक हैलोजन में हमें मिलता नहीं था ये रिस्पॉन्स। हाँ। तो एक बार अंदर से भी दिखाते हैं कैसा लुक है, एक बार बंद करो सारी और अब जलाओ, ये रहा रिस्पॉन्स लाइट का। तो S11 वाले भाई भी आ सकते हैं अपनी जो स्टॉक हेडलाइट है उसमें काफी ब्राइटर, ये जो LED HID का सेटअप हमने करा है वो डलवा सकते हैं। ठीक है फ्रंट से बस इतना ही है, एक कैमरा हमने इंस्टॉल करा, सोनू भाई दिखा रहे हैं, मैं दिखा रही इशारा दे रहा था समझ गए तुम, हां इशारे की बातें समझ, तो फ्रंट कैमरा इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर। ठीक है तो साइड प्रोफाइल की बात करें तो थार के अलॉयज,
हमने इंस्टॉल किया स्कॉर्पियो में, यही वाली अलग देना चाहिए, ब्लैक वाली अच्छी नहीं लगती, नई गाड़ी आएगी तो हमारी बात मान लेंगे स्कॉर्पियो में। ठीक है, तो S11 के हटा के हमने थार वाले अलॉयज इंस्टॉल कर दिए इसके अंदर। ठीक है, ये भी नहीं आता, नहीं आता, ये भी इंस्टॉल करा इंडिकेटर्स, डोर वाइजर नहीं आता, मैं डोर वाइजर लगाया। ठीक है, बाकी तो डैक साइड में आ जाओ। S11 में तो और जरूरत पड़ती नहीं, मतलब माइनर चीजें होती हैं। फिलर लाइट भी लगाया, फिलर लाइट इंस्टॉल करा हुआ है। हाँ, तो एक बार इसे ऑफ करके ऑन करके जला के दिखाओ, रिफ्लेक्टर है नीचे, तो एक बार इसका स्कैनिंग मोड दिखाते हैं। तो ये है स्कैनिंग मोड इसका, अब इसका ब्रेक देखो, ये ब्रेक है, अब इसके बाद इंडिकेटर भी होते हैं इसके अंदर, इंडिकेटर भी है इसके अंदर। ठीक है, तो बैक प्रोफाइल से बस एक पिलर लाइट लग गई, एक नीचे रिफ्लेक्टर लग गया, पीछे सेफ्टी गार्ड के साथ बम्पर पटाख लगाया। ठीक है, सेफ्टी गार्ड अपना पीछे, ब्रेक लाइट लगा क्या, ये महिंद्रा का नहीं, आफ्टर मार्केट ही होता है बम्पर पट्टा। ठीक है, ब्रेक लाइट हमने इंस्टॉल करी है, ब्रेक लाइट जल्दी वाली है, S11 में भी अब छोटी वाली लाइट आती है ब्रेक लाइट, और साथ में देखो क्वार्टर पैनल भी हमने। ठीक है, तो ये एनो ब्लैक, ये कुछ नया है आज। हां, पहले तो गाड़ी में हुआ होगा, तो ये चीज जो हुआ ना बाहर से ओवरऑल यही चीज है। ठीक है, माइनर चीजें हैं। हां, मेन जो हुआ इसके अंदर, अंदर से अभी कुछ तारे तारे नजर आ रहे हैं, तो ये है इंटीरियर, तो एक बार पहले ओवरलुक दिखा देता हूँ अंदर। हाँ, से कैसी लग रही है, फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो ये लुक है कुछ अपने S11 का, गजब लग रही है ना बहुत। तो चामुंडा भैया बताएंगे क्या क्या करा इसके अंदर हमने, इसमें बोलने वाली क्या बात है, टोटली देखने को मिलेगा ये आपको इसके अंदर। हमने डबल टोन में तो इंटीरियर कर दिए, इसका बेज आता था, अब बेज आता था, बाकी इसके हमने जो ये वुडन किया ना S11 वाले जो पैनल है उससे मैचिंग करते हुए, जो बीच में स्टूडियो के पैनल दे रखा है S11 कंपनी, उससे मैचिंग करते हुए यहाँ की वुडनिंग कर दी है, ये वाली वुडनिंग कर दी हमने। ठीक है, इधर कर दिए हमने, पीछे वाले एसी वाला पार्ट में हमने कर दिए, पीछे का जो एसी का पार्ट होता था वो भी हमने कर दिया, हमने कर दिया, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये रहा बाकी। तो ये हमने पूरा S11 हाँ, के फ्रेम के लुक में दिया है। हाँ, बाकी इसमें जो भी एंबिएंट लाइट आपको दिखेगा 18 पीस में दिखेगा, 1 2 3। ठीक है, अगर आपको 18 पीस में चाहिए होगा तो इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, 14 पीस में आपको इधर नहीं मिलेगा इधर आएगा। ठीक है, और 10 पीस में सिर्फ इधर आएगा और पैरों में आएगा, फुट वाली लाइट्स, बूट लाइट हो गया, सामने हो गया, सब चीज हो गया, और वैसे ये अच्छा लग रहा है ड्यूल टोन में जो अपना है, और इसके अंदर जो मैंने सिस्टम के जो काम किया है तो इसके लिए इधर पोर्ट भी यूज किया, देख सकते हो S11 में ये आपको मिलेगा नहीं, नहीं आता, प्लेन आता है, हमने पोर्ट यूज किया इसके अंदर। ठीक है, पोर्ट की तरह यूज करा ट्विटर्स। हाँ, ओके, बाकी आप इसकी मेन जो इसकी अट्रैक्टिव कर रहा है ना इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर कुछ एक डार्क भी, कोई ज्यादा आंखों में चुभने वाला कलर भी नहीं है, एक डार्क मोड, इसे हम बोलेंगे वाइन कलर। वाइन कलर, हाँ, तो कई गाड़ी में हमने पहले किया था, इधर नीचे ब्लैक किया था, ऊपर इधर वाइन कलर किया था, बट आज हमने चेंज कर दिया कुछ। ठीक है, एक बार नीचे बैठ के फ्रंट का लुक दिखाते हैं कैसा है, नीचे बैठ के दिखाओ पूरी लुक। तो एक बार फ्रंट का लुक दिखाते हैं कैसा लुक आ रहा है पीछे बैठ के। तो चामुंडा भैया स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग भी रैप करा हुआ है इसमें हमने, बिल्कुल, तो स्टीयरिंग देख सकते हैं, ये भी वाइन कलर में हमने रैप करा, बीच का जो ये पार्ट है पियानो ब्लैक, इधर देख सकते हो हमने ब्लैक में सिल्वर कलर की स्टिच कर दी है, स्टिचिंग में करा हुआ पिलर्स हमने, लेदर राइट है। हाँ, बिल्कुल, इधर भी तीन लाइनिंग बना करके दिया, टोटली पीछे तक ऐसे एक बार कैमरा मूव कर दो पूरी, ये देख सकते हैं एक बार 360 में एंगल में पूरा दिखा दो एक बार पीछे का लुक, मतलब ये पीछे वाले ये भी हमने करे हुए हैं। हाँ, ये सारे हमारे लेदर राइट है। हाँ, तो इस गाड़ियों में ना बिल्कुल बारीकी से काम किया गया, जिसने लॉक दिखेगा आपको ये सब, नजरों से निकल गया, वरना इसे भी कर देते, वो पॉसिबल नहीं था करने लायक, बिल्कुल, तो इसलिए वो छूट गया। बाकी जो ऊपर का है वो हमने ब्लैक टेक्सचर दे रखा, सिल्वर कलर के धागे देख सकते हो, ये लेदर राइट अपना। ठीक है, सिल्वर आता है,
सिल्वर नहीं आता, ब्लैक आता है इसमें। अंदर से बेज होता है, अंदर से बेज होता है, ये वाला ब्लैक होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ब्लैक होता है, तो हमने S11 का फ्रेम के लुक में दिया इसे। और सीट कवर की मेन फिटिंग दिखा, तो सीट कवर एक बार फ्रंट से आके दिखाते हैं। सो अब बात करते हैं सीट कवर, कैसा लगा सीट कवर की क्वालिटी आपको? सीट ये कवर देख सकते हो, बिल्कुल फिनिशिंग देख लो, और लाइफ टाइम गारंटी के साथ सीट कवर। जो सीट कवर ये यूज किया है मैंने, लाइफ टाइम वारंटी है, कोई भी दिक्कत आए आप कभी भी आकर बदलवा सकते, जब तक आपके पास गाड़ी है जब तक हमारी गारंटी है जय ऑटो की तरफ से, फुल वारंटी। अगर आपको लाइफ टाइम वारंटी वाला सीट कवर चाहिए होगा तो आपको आके बताना पड़ेगा कि भैया मेरे को लाइफ टाइम वारंटी वाला सीट कवर चाहिए। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगा, बट ये एक बार लगाने के बाद में समझ लो कि आपको टेंशन फ्री हो जाना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है कि इधर कट रहा है फट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साथ में फिटिंग आपको कई सारी वीडियो में देखने को मिलेगा, बाजार में लोग काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि हम थाई सपोर्ट वाले सीट को लगा रहे हैं कर रहे हैं, बट आपको फिनिशिंग इधर देख लो, ये फिनिशिंग कहीं से रिंकल्स नहीं दिखेगा, बिल्कुल फिटिंग दिखेगा। बस बोलना नहीं होता है, काम करके दिखाना होता है, कहीं से भी रिंकल नहीं दिखेगा इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, इसमें हमने थाई सपोर्ट दिया, थाई सपोर्ट सिर्फ हमारे पास से मिलेगा, तरीके से फिटिंग बिल्कुल, कहीं से भी आपको कहीं से भी रिंकल्स नहीं मिलेगा। नाम से कहने से नहीं होता कि थाई सपोर्ट, बाजार में लोग S11 भी बना देता है कि भैया हम S11 बना दिया 70,000-80,000 रुपये में, लाख में बना देते, बट S11 प्रॉपर तरीके से अगर काम करवाना तो सिर्फ जय ऑटो पे ही आना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जय ऑटो की तरह S11 कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, आपने काफी वीडियोस देखी होगी जय ऑटो की जो S11 बनाते हैं, S11 भी नहीं काफी अच्छा इंटीरियर भी बनाते हैं, अलग लेवल देते हैं। अब आज की गाड़ी देख लो S11 गाड़ी है, बट इस गाड़ी को हमने किस लेवल तक तैयार करके दिया है, तो S11 में भी काफी काम था। ये सिर्फ पॉसिबल जय ऑटो तक ही है। ठीक है, किसी को S11 का इंटीरियर पसंद नहीं आता तो देख सकते हैं आज S11 वाले ही कस्टमर आ चुके हैं, एक नया लेवल बन जाता है। S11 वाले भाई भी अपनी गाड़ी को इंटीरियर करा के बहुत लेवल उसका ऊंचा कर सकते हैं। दो जीबी रैम 32 GB इंटरनल वाला डाला है जिसमें यूट्यूब भी चलता है, स्टॉक वाले में यूट्यूब नहीं चलता और मेन रीजन एप्पल कार प्ले नहीं होता इसके अंदर, एप्पल कार प्ले भी है, एंड्रॉइड ऑटो भी है, सब चीज है इसके अंदर, सारा फंक्शन, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों इसके अंदर वर्किंग है। आपको मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा कहाँ से चलेगा, फ्रंट कैमरा ये अपना फ्रंट कैमरा है, देख सकते हैं सामने भैया फ्रंट कैमरा, और रिवर्स पीछे के कैमरा आ गया, ये रिवर्स कैमरा है, रिवर्स कैमरा काफी क्लीन दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो चाउंडा भैया ये जो सीट कवर के ऊपर है यहाँ पे भी पैडिंग करी हुई है, हाँ थाई सपोर्ट के मतलब सिर्फ यहाँ नहीं होता यहाँ भी होता है, ठीक जो है। नेक सपोर्ट करता है हमारा, नेक लॉन्ग ड्राइव में हमारे को नेक सपोर्ट करता है, दर्द बिल्कुल नहीं रहता है, तो ये होता क्वालिटी फुल काम। आप पीछे भी दिखा सकते हो, तो पीछे के सीट कवर के पीछे आर्मरेस्ट बॉक्स के पास भी देख सकते हो कैसी फिटिंग है, तो ये रहा पीछे का आर्मरेस्ट अपना, इसकी फिटिंग देखो 0-0 सीधा एक ही बार में अंदर, यहाँ तक कि मैं डिक्की में लेके चल कर दिखाता हूँ कि सबसे लास्ट रो में भी कैसी फिटिंग है। ठीक है, लास्ट रो में दिखाते हैं, सो आ चुके हैं लास्ट रो में। लास्ट रो में इसमें मैंने ना ज्यादातर ब्लैक करके थीम दिया है, कई बार क्या होता है सीट कवर वाले इंटीरियर हम इधर कर देते हैं इधर कर देते हैं, बट नहीं इसमें पूरी ब्लैक, क्योंकि नीचे जितने भी हमने इसमें किया ज्यादा ब्लैक पे ध्यान दिया गया, बट सीट कवर डैशबोर्ड और थोड़ी सी हमने डोर पैनल में इसके वाइन कलर की सेट दी, और हाँ इसकी आप सीट कवर बैक साइड में भी देख सकते हो कैसी फिटिंग है, बैक की सीट में भी बिल्कुल आपको फिटिंग दिखेगा क्लियर। ये देख लो इधर से देखो आप कहीं से आपको 0-2 इधर देखो 0-0 फिटिंग मिलेगा, कहीं से भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि मैं फ्लोरिंग की भी बात करता हूँ, ये देख सकते हो फ्लोरिंग होते हुए हमने देखो फ्लोरिंग देखो बिल्कुल इधर कॉर्नर से लो कॉर्नर टू कॉर्नर बिल्कुल क्लीन फिटिंग दिखेगा, इधर देखो क्लीन फिटिंग दिखेगा, कहीं से भी कोई कमी नहीं आ गई। यहाँ पे हमारी कटिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ से आपको स्टेपनी खोलना पड़ता है, और यहाँ तक हमने 70 मैट भी जो यूज किया सेम इसके कलर से मैच करते हुए किया है। ठीक है कि सेम अपनी फ्लोरिंग ब्लैक और अपना सिल्वर कलर के धागे में हमने यूज किया है क्योंकि सीट कवर की जो हमारी जो मैचिंग है इससे मैच करता हुआ है। ठीक है, जो थ्रेड्स हैं सीट कवर के और फ्लोरिंग के मैच, और ये हैंडल भी देख सकते हो इधर हमारा, ये भी अपना हाइड्रो डिप पार्ट है, इधर के हैंडल हाइड्रो डिप पार्ट है, ये रहा हैंडल अपना, तो इसमें बारीकी से सारा काम किया गया है। ठीक है, हाँ टोटली 1500 वाट के बूफर डाल करके हमने
साउंड को थोड़ी सी अच्छा बना दिए, वूफर की प्लेसमेंट हमने यहाँ करी हुई है स्मॉल बॉक्स में ताकि पीछे के दोनों सीट यूज में आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे सामने एक इसके लिए स्पेशल पेटी हमने बना रखे हैं। ठीक है, बात करें इतने इसमें स्टार्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये स्टार लाइट, स्टार लाइट। हाँ, हमने स्टार लाइट इंस्टॉल करी हुई है इसके अंदर। बाकी लुक देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है फ्रंट का, और ये पूरे पूरे ऐप कंट्रोल से है। ठीक है, तो चामुंडा भैया एक बार लाइट्स ऑफ करके भी दिखाएंगे कि गाड़ी का लुक क्या आ रहा है। बिल्कुल। सो हमने अंधेरा कर दिया ताकि दिखा पाए जो अंदर का इंटीरियर का लुक है। अंदर से पहले ये अंधेरे में देख सकते हो आप, पिलर लाइट, बैक लाइट और रिफ्लेक्टर लाइट के साथ कैसी गड़ब आ रहा है। बहुत अच्छा लुक आ रहा है पीछे से। और हाँ, एक बार अंदर इंटीरियर लाइट में आ जाओ, इंटीरियर की तरफ। आप अपने मोबाइल पे फ्लैश बंद करके इंटीरियर लाइट दिखाओ। चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर देख सकते हैं एक बार। ये नाइट एडिशन है। नाइट एडिशन, हाँ ठीक है। तो ये स्टार लाइट्स देख सकते हैं। इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? मोबाइल ऐप से। ठीक है, जो हमने एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी है इसके अंदर देख सकते हैं। ये भी ऐप से कंट्रोल होता है। तो एक बार बैठ के दिखाते हैं इसमें कैसा लुक आ रहा है। तो चामुंडा भैया एक बार ऐप से कंट्रोल करके दिखाओगे इसमें लाइट्स? सो चामुंडा भैया अभी ऐप से कंट्रोल करके दिखाएंगे ये लाइट्स। हो रहा कुछ, हो रहा है जादू, कुछ जादू हो रहा है इसमें। ये लाइट्स चेंज हो रही है इसकी, हो रहा है जादू, हो रहा है कलर चेंज हो रही है, लाइट चेंज नहीं हो रही, कलर चेंज हो रहा है। हाँ लाइट्स वो गलती से हो गया। तो एक बार फ्रंट से भी दिखाते हैं कैसा लुक आ रहा है ये रहा। तो मतलब अपने ऐप के थ्रू चलती है ये स्टार लाइट, ऐप कंट्रोल हो रहा है मेरे मोबाइल से। ठीक है, और अब मैं एम्बिएंट लाइट भी जला करके दिखाता हूँ। तो एम्बिएंट लाइट भी अपनी ऐप कंट्रोल्ड रहती है। हाँ बिल्कुल। ये देखो तो ये रहा एम्बिएंट लाइट अपना, ये भी ऐप के थ्रू चेंज हो रही है। तो दोनों हमने लगाए हैं एम्बिएंट लाइट और स्टार लाइट इसके अंदर। हाँ ठीक है, और क्या क्या करा है इसके अंदर? सो मतलब S11 में भी इतना काम हो सकता है और भी? हाँ बिल्कुल हो सकता है, इससे भी अलग हो सकता है। अगर जिस भाई को अगर इससे भी अच्छी बनवाना हो, एक अलग लेवल देना है, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे अलग भी कर सकते हैं। तो ये हमें लगता था कि S11 में और काम नहीं हो सकता। ब्लैक कर दिया है पूरी वाइन कलर के करते हुए, यहाँ से सेटअप हमने पूरा ले लिया। ठीक है, ये गाड़ी के जो ऐसे सेटअप है ना, ये सेटअप ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा लैम्बोर्गिनी कार हो गया या ऐसी कुछ हाई एंड कार वगैरह में देखने को मिलता है इस तरीके के इंटीरियर। ठीक है, हाँ तो उस तरीके से हमने पूरी डिजाइन। तो ये जो मैंने कलर टेक्सचर दिया बिल्कुल एक हाई एंड कार की तरह दिया, जैसे कि लैम्बोर्गिनी कार ले लो आप, BMW ले लो, ऑडी के ले लो, जो स्पोर्ट्स कार आता है उस कार में आपको इस तरीके का सेटअप मिलेगा। तो उस तरीके का मैं थोड़ा सा S11 भी बनाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल विजिट कर सकते हो जे ऑटो पे, हमारे एक शॉप करोलबाग में भी है और वर्कशॉप इधर रामा रोड में हमारा। तो जिस भाई को अगर इस तरीके काम करवाना हो तो रामा रोड आ सकते हो, जिस भाई को अगर जल्दी में काम चाहिए, थोड़ी बहुत काम करवाना हो, आप हमारे करोलबाग में भी आ सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि हम आपको ये कलर दिखा रहे तो ये कलर अवेलेबल नहीं, हमारे पास सारी कलर कस्टमाइज और भी कलर हो जाएंगे, सारी कलर और ऑन द काउंटर सारा काम होता है। ये वेयर हाउस के अंदर ही पूरा होता है, ये नहीं कि जी एक पार्ट इधर हो रहा है एक पार्ट उधर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, सारा एक काउंटर पे ही काम होगा। और इससे भी हटके काम होता है और कुछ अलग ही लेवल को आने वाला टाइम में कुछ अलग अलग वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा और चैनल में बना रहना होगा। ठीक है, काफी नए नए स्कॉर्पियो के लिए चीजें दिखाएंगे, आने वाले टाइम में कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियो N 700 इस पे ना कुछ अलग अलग वीडियो आने वाला भी, क्योंकि डेली S11 दिखा दिखा के व्यूवर्स भी बोर हो चुके होंगे, कुछ अलग दिखाना था तो इसलिए आज आप लोगों के लिए अलग वीडियो मैंने दिखाया। ठीक है, सोनू भाई जो पकड़ के बैठे हैं ऊपर ग्रैब हैंडल, हाँ। लग रहा है शायद दिखाना चाह रहे हैं। दिखा तो दिया पहले, तो हमने बैक का दिखाया था, ये दिखाई नहीं तुम्हें पहले, हमने यहाँ पे नहीं देखा था, बैक से देखा था। अब देखो, तो ये वाला भी हमने कर दिया, ये भी कर दिया, मतलब सारे कर दिए हमने बिल्कुल। तो छत के साथ वो मैच भी नहीं करता बेज कलर का, नहीं बिल्कुल अलग अलग नजर आता, अलग चीज नजर आती है। ठीक है, तो एक बार कस्टमर से भी फीडबैक लेते हैं काम कैसा लगा। फाइनली अपने स्कॉर्पियो S11 का काम कंप्लीट हो चुका है, अपने साथ भैया हैं, उनका नाम जानते हैं सबसे पहले। आपके नाम सौरभ द्विवेदी। ठीक है भैया, कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं? लखनऊ से। तो आप S11 लेके आए हैं जी, तो क्या रीज़न था आपका S11 लेके उसको? मोस्टली यहाँ पे आते बेस मॉडल
जी ठीक है, एस 11 लेके भी आपको क्या कमी महसूस हुई कि आपको यहाँ आना पड़ा? अब एस 11 में भी कंपनी कुछ नहीं देती, एक छोटी सी चीज बोले तो बैक कैमरा। अभी 3 महीने मुझे गाड़ी लिए हो रहा है और मैं सफर कर रहा था कि बैक करता हूँ गाड़ी को, तो बैक कैमरा नहीं है। सोचिए बेसिक सी चीज है, एस 11 में भी बैक कैमरा नहीं है। हाँ, टॉप मॉडल में अगर कंपनी बैक कैमरा नहीं दे रही है तो और इससे ज्यादा क्या काट सकती है अपनों का। बाकी हम तो बैठे हैं लगाने के लिए, बाकी तो चमड़ा भाई हैं, जिसको जो जो लगवाना हो वो इनके पास आए। तो आपका प्लान था कि आपको स्टार लाइट लगवानी है या थार के अलॉयज, क्योंकि एस 11 में तो अलॉयज आते ही हैं। अलॉय तो सोनू भैया के थोड़ी सी पसंद था इसमें, अलॉय तो मेरे लगे हुए थे इसमें। टॉप मॉडल लेने का रीजन ही यही था कि अलॉय वाले मिले। मैं बताऊं 17 इंच में गाड़ी में नीचे नहीं रखती है, जब इसके 18 इंच लगता है ना गाड़ी उठी हुई लगती है। स्कॉर्पियो की हाइट बढ़ जाती है, गाड़ी के अंदर ऐसा लगता है लगती है, फिर बैल बैल सी लगती है। हाइट और प्लस मेन बात लुक की भी है। तो एक बार चलो मेटल कर सकते हैं, लेकिन जो लुक इसका आता है थार के अलॉय का, वो सर पता क्यों आता है? हाइट ऊंची हो जाती है ना तो उसकी लुक और हैवी नजर आती है, हैवीनेस आ जाती है गाड़ी में थोड़ी। वही मैं, आप लोग इतनी वीडियो बनाते हो, मेहनत करते हो, तो ये मैं कहूंगा कि ये वीडियो कंपनी भी देखती होगी, तो कुछ गाड़ी में अपनी करके दे। नहीं कुछ नहीं करके दे, आप तो मतलब थोड़ी बहुत जो बेसिक आइटम्स है जैसे बैक कैमरा वो सब लगा के देना चाहिए। जो चल रहा चल रहा है ये मैं कहना चाह रहा हूँ, चलो भाई मैं तो बात की बात हो गई, नहीं लगा ठीक है। तो आपका प्लान था ऐसा इंटीरियर करने का? कंपनी नहीं लगाएगी इंटीरियर तो था और थोड़ा बहुत बाकी चमुंडा। तो मजाक से हट करके बाकी आपको काम कैसा लगा ओवरऑल? काम बेस्ट है, आइए भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन। कोई रिमार्क, सबसे बड़ी बात आपको कोई रिमार्क देना चाहोगे आप? कोई रिमार्क देना चाहोगे अगर कुछ काम आपको अच्छा नहीं लगा? दस में से कितने नंबर देना चाहोगे? रिमार्क, पहले रिमार्क पूछ रहा हूँ मैं। 10 में से आप 100-200 ले लीजिए। रिमार्क तो लॉयल्टी के हैं, सबसे बड़ी चीज है लॉयल्टी और फिनिशिंग। ठीक है, मैं बेसिकली 15-20 साल से मेरे पास गाड़ी है तो मुझे भी काफी नॉलेज है गाड़ी की, तो मैं फिटिंग्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। भैया ने एक चीज बारीकी से देखी है, लखनऊ में काम ना कराने का मेरा यही रीजन रहा कि मैं अगर कोई भी काम वहाँ पे कराता हूँ तो वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स बंदे नहीं करते हैं, और भैया की दुकान पे छोटे भी लड़के हैं तो वो ट्रेंड है, उनको क्या चीज लॉक निकाल के कहाँ कैसे लगाना है ये पता रहता है, और मेरे यहाँ लखनऊ में उसी लॉक को वो तोड़ देते हैं। स्पेशलिस्ट हमारा ये लड़का जो है महिंद्रा की गाड़ी पे ही है जी, कुछ वीडियो पहले लखनऊ की एक गाड़ी बनाई थी लेंदी नहीं करते, एंड करने का टाइम आ चुका है। सो वैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।